शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए जहां लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, वहीं जमीनी स्तर पर उनकी हकीकत हैरान कर देने वाली है। जेके अपडेट की टीम ने जानू पंचायत की गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल तरमुई का पंचायत प्रतिनिधियों और आम लोगों के साथ दौरा किया, जहां स्थिति हैरान करने वाली थी। स्कूल की इमारत तो बना दी गई, लेकिन दीवारों को प्लस्तर नहीं किया गया, जहां तक कि बच्चों के बैठने के लिए फर्श तक नहीं डाला गया। इतना ही नहीं, स्कूल के प्रांगण में पानी की व्यवस्था न होने के कारण शौचालय का इस्तेमाल भी नहीं हो पा रहा है, जो कि स्वच्छ भारत अभियान पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। इस स्कूल में करीब 43 विद्यार्थी हैं, उन्हें पढ़ाने के लिए मात्र एक ही शिक्षक है। स्कूल की चार दीवारी न होने के कारण कोई भी जंगली जानवर और जहरीले जीव जंतु स्कूल में प्रवेश कर सकते हैं। पंचायत प्रतिनिधियों और लोगों ने कहा कि अगर कल को कोई भी घटना होती है तो उसका जिम्मेवार केवल शिक्षा विभाग ही होगा। नमस्कार। आज के ज़माने में जहां डिजिटल की बातें की जाती है कि शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाया जाएगा और स्कूलों को डिजिटल बनाया जाएगा, मेरे साथ आप एक समय एक स्कूल देख सकते हैं। ये एक स्कूल है, स्कूल में आपको बता दूं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल तरमुई इसका नाम है, जो अम्बसोली में आता है, धन्ना में। डिजिटल स्कूल की आप एक तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ ना तो खिड़कियाँ हैं, ना तो यहाँ पे जो दीवारें हैं उन पर प्लास्टर हुआ है, और ना ही यहाँ पे फर्श बनाया गया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस स्कूल में सुविधाओं की भारी कमी है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, इनका कहना है कि जो स्कूल की इमारत है वो अनसेफ है, और बाद में इसके पिलर वगैरह जो है वो बनाए गए हैं। और स्कूल के अंदर की बात करें तो करीब 2 कमरों में हालत बद से बदतर है, गंदगी फैली हुई है, और मेस की जो कंडीशन है वो भी बहुत ही बदहाल है। इसके अलावा जो ये 7 वाला कमरा मेरे सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी जो सुविधाएं हैं वो नहीं है, डेस्क वगैरह उपलब्ध नहीं है, चंद कुर्सियों के बीच में ये स्कूल जो है वो चल रहा है। ये सारे लोग यहाँ देख सकते हैं इकट्ठे हुए हैं, इनका भी यही कहना है कि स्कूल में सुविधाएं नहीं है, यहाँ पे सुविधाएं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, शिक्षा के स्तर को कैसे बढ़ावा मिलेगा जब तक स्कूल में सुविधाएं नहीं होगी। हमारे साथ यहाँ की सरपंच हैं किरण बाला, से बात करेंगे आखिर क्या इस स्कूल में कमी है। सरपंच साहब, मुझे ये बताएं, आपका जो ये स्कूल है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल तरमुई, इसमें लोगों की शिकायत है कि इसमें ना तो स्टाफ है ना भी इसकी सुविधाएं हैं, तो किस तरह देखते हैं, आपने कितनी बार इसके लिए उच्च अधिकारियों को बताया? मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, मैंने पांच बार उनको बोला है कि जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर को भी बोला है, तहसील लेवल के ऑफिसर को भी बोला कि भाई हमारे इधर वार्ड नंबर 5 में हमारा एक तरमुई स्कूल है, ना तो उसकी बिल्डिंग बनी हुई है, ना तो वहाँ पे बिल्डिंग की बात भी छोड़ो, डेस्क उनकी बात भी छोड़ो, फर्श तक भी जो वो भी इन्होंने फर्श तक नहीं डाला हुआ है। और बात करें हम शौचालय की, देखें शौचालय बना हुआ है, पानी नहीं है, पानी भी नहीं है, खेलने के लिए बच्चों के ग्राउंड भी नहीं है। और मैं कई बार अपने सीओ साहब से भी बात कर चुकी हूँ कि सीओ साहब को मैंने 3 बार कॉल भी किया, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं, उनकी तरफ से क्या रिस्पांस, क्या कहा जाता? बोलते हैं मैडम जी आप ऊपर से ऑर्डर मिलता है, वो ऐसे ही बोलते हैं। उनसे भी बात की, उन्होंने बोला कि मैम आप एक काम कीजिए कि आप मुझे ईमेल कर दीजिए। तो मैंने उनको भी ईमेल किया हुआ है, सीओ साहब को भी फैक्स भी किया हुआ है, ईमेल भी किया हुआ है, तो अभी तक उसका कोई रिस्पांस नहीं आया। और मैं सीओ साहब से ये बोलना चाहती हूँ, एक बार जहाँ पे आए मेरी पंचायत में आए और देखे जहाँ पे कि आप वहाँ पे चेयर पे बैठ के एसी के रूम में बैठ के वहाँ पे क्या कर रहे हो, जहाँ पे आओ, आपकी ड्यूटी जहाँ पे आई जहाँ पे भी आके विजिट करो मेरी पंचायत में, खासकर जानूदना पंचायत में आओ और देखो जहाँ के हालात, देखो जहाँ की बच्चियाँ कैसे गुजर रही है, कैसे आती जाती हैं, कैसे बैठती हैं, कैसे जो भी है, आप जहाँ पे आके देखो। मैं तो पूरा जी एजुकेशन के डिपार्टमेंट के खिलाफ ही है, जो भी है वो ही जिम्मेवार है, इस चीज़ के होगा तो वो ही जिम्मेवार है। साथ में बाउंड्री वॉल होना चाहिए और जो बच्चे जो हैं हमारे वो सुरक्षित होने चाहिए। मैं आपको आज जानू दन्ना पंचायत में तरमुई जगह पे एक लेके आया हूँ, जहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल है हमारे पीछे, और आप इसकी हालात देख रहे हैं, कितने दयनीय हालात हैं। बच्चों की स्ट्रेंथ जो है वो 40 के ऊपर, अध्यापक एक, और जो क्या नाम है, बाथरूम है जो हमारी, जिसके लिए स्वच्छ भारत अभियान भी हमारा प्रधानमंत्री द्वारा बार बार चलाया जा रहा है, और उसमें ये बताया जा रहा है कि हमने स्वच्छता को जो है परम धर्म माना हुआ है, उसमें पानी नहीं। तो शिक्षा के लिए, शिक्षा के नाम पर जो स्कूल खोले गए हैं, शिक्षा के नाम पर स्कूल तो है, बिल्डिंग तो है, लेकिन उसमें फैसिलिटी नहीं, ऊपर से पानी पूरा आ रहा है, और बच्चों को बैठने के लिए बेंच नहीं।
ये कैसी शिक्षा का व्यवस्था है, ये कैसा शिक्षा का जो प्रचलन है, हम कौन सी शिक्षा दे रहे हैं और हम क्या कह रहे हैं कि राइट टू एजुकेशन जो है वो हमने आज की डेट में सबको दे रखा है। यहाँ पे कोई जो आ रहा है वो फ्री फ्री के वादे दे रहा है। फ्री में तो एजुकेशन आज से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से आ रही है, लेकिन एजुकेशन का जो स्तर है वो किस स्तर पर आज आ गया है वो आपके सामने ये दर्शा रहा है। मैं बार बार आपसे कहता रहा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो हालात हो रखे हैं और जो ये अपनी जो अध्यापकों का जो एक मिल बांट करके जो हालात का जो आवंटन हो रहा है वो किस किस हिसाब से हो रहा है, किस स्तर से हो रहा है। अगर अध्यापकों को सरकारी नौकरी मिली है तो वो अपनी क्या सैलरी जस्टिफाई कर रहे हैं स्कूल में आके, या अपने आला अधिकारियों से मिलके अपनी ट्रांसफर्स करा रहे हैं? तो मुझे बता दीजिए इन बच्चों का भविष्य किन के हाथों सुरक्षित है? अगर अध्यापक नहीं आएंगे, अध्यापकों की यहाँ पे ड्यूटीज लगेंगी, गवर्नमेंट सैलरीज लेंगे, हमारे टैक्स से हमको पैसा आएगा, उनको पैसा दिया जाएगा, लेकिन वो पढ़ाई के नाम पे जो है वो अपनी अटैचमेंट्स कराएंगे। ये मेरा सवाल आज आपके माध्यम से एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी है कि डायरेक्टर एजुकेशन, सीईओ एजुकेशन, ZU एजुकेशन, कृपया अपनी जिम्मेवारी को समझें और देश का भविष्य जो है वो आने वाला भविष्य जिसके साथ आप खेला जा रहा है, जिसके साथ जो हालात किए जा रहे हैं, ये कृपया भगवान के लिए ऐसा बंद करें, क्योंकि भगवान ऊपर से देख रहा है, क्योंकि हम शिक्षा का स्तर जो है वो दिन ब दिन इस तरह गिराए जा रहे हैं कि बच्चों को पढ़ने के नाम पे शिक्षा नहीं है, बच्चों को बेंच नहीं है बैठने के लिए, बच्चों को खाने के लिए जो है वो सुविधा नहीं है। और यहाँ पे ये एक स्कूल बिल्डिंग एक आज एक तबेला बन के रह गई है, इस पर जरूर संज्ञान लें। धन्यवाद जनाब। मैं बड़ा बड़ा धन्यवाद करता कि तुम साढ़े इलाके जितने तरमूई आए न, साढ़े प्रशासन साढ़े को बड़े बड़े दावे करता जनाब इलेक्शन टाइम कि इतने पानी होग, रोड होग, बिजली होग। अज भी तुम दिख करने, अस अज भी नहीं रहे हैं सर, कोई भी साधन नहीं। ये साढ़े सामने बिल्डिंग स्कूल की बनी है, एक ये 2011 च कंप्लीट हो चुकी है। अज भी थोड़े सामने कि जो माल मवेशी जगह बन दी होंगी है जो बैठने वास्ते, इतने बच्चे रेंगे ने साढ़े, जो माल मवेशी दिखने वाली गल है, नहीं कोई ग्राउंड नहीं स्कूल रेडी साढ़ा, ये हालात है। और इधरों 2 किलोमीटर जाई थले का पानी लियाना पौंदा, नहीं कोई पानी की तुम दिखे कुछ पाइप लगी है जो लागे बन्ने कोई पानी आया तुम दिखी सकते। इन्नी बुरी हालात है साड़ी इतने की के साड़ी शिक्षा एजुकेशन, और 35-40 बच्चे ने साढ़े 40 किन्ने इतने स्कूल च मास्टर दिखो तो कोई नहीं आया, एक मैडम आती है, 3-4 महीने होए मैडम ने, तो नहीं इतने बैठने की जगह, बारिश कुत पौंदी तो बच्चे स्कूलें अंदर भी पानी आता है साढ़े। क्या लगता है जो लाखों रुपए की राशि आती है स्कूलों में, स्कूलों को इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, क्या वो ग्राउंड लेवल तक पहुंचती है? सर कुछ नहीं पहुंचता, हमारा तो अनदेखा किया जा रहा है हमारे को। अगर वो सब राशि हमारे को मिलती तो ऐसी बिल्डिंग हमारे को क्यों मिलती, वो कुछ भी नहीं दे रही है। वो प्रशासन तो बहुत बड़े बड़े दावे कर रहा है कि सब कुछ दे रहे हैं, हमारी इतनी बड़ी जमीन है, इधर देखना पानी की कोई बूंद नहीं है, अभी खाने का गुजारा भी नहीं था। वो जमीन जो हमारी है, हम लोग अपना अनाज पैदा करके बाहर भी जो है बिक्री करते थे, आज अपना गुजारा और माल मवेशी का गुजारा नहीं होता, इतनी हालात खराब चल रही है हमारे। 8 साल के हो गया, उसके बाद हमारी इरीगेशन के अंदर वो कूल थी वो भी बंद पड़ी है 8 सालों से, नहीं पीने के लिए पानी, वो भी माल मवेशी के लिए पानी लेकर आते हैं लोग, वो खुद पीते हैं, इतनी हालात खराब है जहाँ की। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गणेश कुमार है। गणेश कुमार जी मुझे ये बताएं, जैसा कि आप +2 में पढ़ते हैं, आप ही के एक गांव में ये यहाँ पे स्कूल है जी, तो शिक्षा का स्तर किस तरह से बेहतर होगा जब सुविधाएं नहीं होंगी? सर देखिए, ये 2011 से ये बिल्डिंग बन रही है, तो इसको आप ही देख सकते हैं, इसके अंदर देखिए, मतलब इसकी बिल्कुल भी सुविधा ठीक नहीं है, बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं है, कुछ प्रेयर वगैरह करने के लिए सर ग्राउंड दिखाइएगा, ग्राउंड भी बिल्कुल सही नहीं है, और जहाँ पे मतलब टीचर भी बिल्कुल नहीं, एक ही मैडम है। आप बताइए सर, 5 क्लासों के लिए एक मैडम क्या कर सकती है, और बच्चे कैसे पढ़ेंगे? इसमें बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है सर, और ऊपर इसकी बिल्डिंग के हालात भी देखिए सर, बिल्डिंग गिरने का भी बिल्कुल चांसेस है, मतलब कि जब बारिश का मौसम होता है तो बच्चे अंदर नहीं बैठ पाते क्योंकि ऊपर से इसका डर बना रहता है। सर आप देख लीजिए, बिल्कुल भी मतलब वो नहीं है, आप चलने के लिए रास्ते नहीं है सर। जब नहर की बात की जाए तो हमारी जमीन जो है काफ़ी पिछले 10 साल से बंजर पड़ी हुई है, किसी भी के लिए पानी की सुविधा यहाँ जा नहीं है, लाइट की सुविधा जा नहीं है। तो अच्छा, जैसे कि ये पूरा स्कूल जो है वो एक हम देख रहे हैं जंगली रास्ता है, इस स्कूल की बाउंड्री बॉल भी नहीं है, तो किस तरह देखते हैं सुरक्षा के मद्देनजर कितना खतरा बच्चों को हो सकता है यहाँ में? सर इसमें खतरा बहुत ज़्यादा होता है, मतलब आप जैसे गर्मियों के दिनों में पागल कुत्ते वगैरह आते हैं, उसके लिए उसके रिलेटेड भी बच्चों को बहुत ज़्यादा खतरा महसूस होता है। जब बरसात का मौसम आता है, वर्षा ऋतु का मौसम आता है, तो इसमें सांप बिच्छू वगैरह बहुत सारे मतलब बच्चों को हर वक्त जो है खतरा बना रहता है।
तो किस तरह की डिमांड करेंगे सरकार से? तो सर हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट से यही मांग है कि इसमें एक तो बाउंड्री वाल होना चाहिए और ऊपर से जो बिल्डिंग है इसको प्लास्टर वगैरह करके बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए, और बैठने के लिए बच्चों को डेस्क तक नहीं है, डेस्क तक प्रोवाइड नहीं करवाया गया, ऊपर से चंद कुर्सियों के लिए स्कूल बिल्कुल उस पर डिपेंड है। जीके अपडेट, अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टेक्ट 7051091811।